तो दोस्तों ये है एक्सप्लेनेशन फार्गो सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 का। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और हम गस ग्रिमली को देखते हैं जो हॉस्पिटल में मॉली के रूम के बाहर बैठा था। पिछले एपिसोड में गस ने मॉली को गलती से गोली मार दी थी। इसके बाद हमें चैज़ के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ चैज़ की पत्नी किटी न्यूज़ देख रही थी। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक टोर्नेडो के कारण एक लेक से मछलियाँ सड़क पर गिरने लगी थी और इन्हीं मछलियों की वजह से दिमित्री और वेलिसिमांको की कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें ये दोनों मारे गए थे। इस न्यूज़ से हमें ये भी पता चलता है कि वेलिसिमांका और दिमित्री की मौत के पीछे लॉन माल्वो का हाथ नहीं है। इसके बाद गॉर्डो अपना बैग लेकर स्कूल चला जाता है और ये वही बैग था जिसमें लेस्टर ने गन रखी हुई थी। गॉर्डो की क्लास में दो बच्चे लड़ रहे थे और वो लड़ते लड़ते गॉर्डो के बैग को गिरा देते हैं जिससे गन बाहर गिर जाती है। स्कूल में गन लाना एक बहुत बड़ा क्राइम था इसलिए बिल और कुछ और बाकी के पुलिस ऑफिसर चैज़ के घर की तलाशी लेने के लिए आते हैं। तलाशी के दौरान बिल को चैज़ के बेसमेंट में गन्स, एक हथौड़ी, पर्ल का अंडरवियर और पर्ल की कुछ फ़ोटोज़ मिलती है जो लेस्टर ने वहाँ पर रखी हुई थी ताकि पर्ल के मर्डर के केस में चैज़ को फंसाया जा सके। पुलिस स्टेशन में बिल लेस्टर को बताता है कि गॉर्डो ने स्कूल में एक गन लाई थी जिसके बाद हमने चैज़ के घर की तलाशी ली और हमें वहाँ पर पर्ल की फ़ोटोज़ और अंडरवियर मिला। बिल कहता है कि चैज़ और पर्ल का अफेयर चल रहा था। लेस्टर भी ये सब सुन के बिल की हाँ में हाँ मिलाता है। लेस्टर बिल को एक झूठी कहानी सुनाता है कि चैज़ और पर्ल मर्डर वाली रात बेसमेंट में बहस कर रहे थे कि तभी चैज़ एक हथौड़े से पर्ल को मार डालता है। लेस्टर बताता है कि वो पुलिस को सब कुछ सच सच बताना चाहता था पर चैज़ के डर की वजह से उसने पुलिस को ये बात नहीं बताई कि पर्ल और वन थमन का मर्डर चैज़ ने किया है। लेस्टर की इस झूठी कहानी से चैज़ अब बुरी तरह फंस जाता है और लेस्टर को पुलिस रिहा कर देती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मॉली ने गोली लगने से पहले एक आदमी को शूट किया था। मॉली को अब हॉस्पिटल में होश आता है और मॉली गस को बताती है कि उसने गोली लगने से पहले किसी आदमी को शूट किया था। क्या वो लॉन माल्वो था? गस कहता है कि वो रेंच नाम का एक दूसरा आदमी था और लॉन माल्वो वहाँ से भाग चुका है। गस मॉली को ये भी बताता है कि उसने ही गलती से मॉली को गोली मारी थी। गस मॉली को सॉरी बोलता है और कहता है कि वो इस बात को पुलिस के सामने कन्फेस करेगा कि उसने ही गलती से मॉली को शूट किया है। गस ये भी कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी पुलिस की नौकरी भी छोड़ देगा। इस पर मॉली कहती है कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन काफ़ी बर्फ़ पड़ रही थी और वहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी लो थी। ऐसी सिचुएशन में कोई भी गलती कर सकता है। इसके बाद हम लेस्टर को देखते हैं जो अपने घर जाता है और अपने घर की सफाई करवाने के लिए क्लीनर्स को बुलाता है क्योंकि लेस्टर के घर में चारों तरफ खून के निशान थे। वहीं लॉन माल्वो का बॉस अपने ऑफिस में आता है। बॉस देखता है कि लॉन माल्वो पहले से ही उसके ऑफिस में बैठा हुआ है। लॉन माल्वो अपने बॉस से पूछता है कि उस पर दो लोगों ने हमला किया था, क्या उन्हें उसने भेजा था? बॉस कहता है कि उसने किसी को भी लॉन माल्वो को मारने के लिए नहीं भेजा। इस पर लॉन माल्वो कहता है कि उन्हें फार्गो ने भेजा था इसलिए वो इस बारे में फार्गो से बातचीत करना चाहता है। लॉन माल्वो अपने बॉस से पूछता है कि वो इस बारे में फार्गो से किससे बात करे। बॉस लॉन माल्वो को फार्गो के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वो फार्गो से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। इसलिए लॉन माल्वो अपने ही बॉस को मार डालता है और फार्गो से बदला लेने के लिए चल पड़ता है। इसके बाद हम मॉली को देखते हैं जो हॉस्पिटल में रेंच के रूम में जाती है। मॉली रेंच को बताती है कि उसका पार्टनर नंबर्स मर चुका है। मॉली रेंच को बताती है कि उसने रेंच को बिमिडजी शहर में लेस्टर के ऑफिस में देखा था। मॉली रेंच से पूछती है कि क्या वो लॉन माल्वो को ढूंढने यहाँ पर आए थे और क्या लॉन माल्वो के बारे में उन्हें लेस्टर ने बताया था, पर रेंच लॉन माल्वो के बारे में मॉली को कुछ भी नहीं बताता। लेस्टर अपने ऑफिस में जाता है जहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि जीना हैस का क्लेम डिनाई हो चुका है। अब जीना को इंश्योरेंस का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि सैम हैस ने इंश्योरेंस नहीं भरा था। लेस्टर कहता है कि वो जीना के घर जाएगा और इस बारे में उससे बात करेगा। वहीं हॉस्पिटल में मॉली इन मर्डर्स की मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई थी। मॉली काफ़ी हद तक समझ जाती है कि ये दोनों हिटमैन लॉन माल्वो को मारने के लिए यहाँ पर आए थे और लॉन माल्वो की लोकेशन के बारे में इन दोनों को लेस्टर ने ही बताया था। बस मॉली के पास ये बातें साबित करने का कोई सबूत नहीं था। इसके बाद मॉली के पिता ल्यू मॉली को हॉस्पिटल से घर ले जाने लगते हैं। वहीं फार्गो गैंग के मेंबर्स लंच करने के बाद अपने ऑफिस में जाते हैं। उनके ऑफिस के बाहर दो इन्वेस्टिगेटर बैठे हुए थे जो फार्गो गैंग पर नज़र रख रहे थे। ये दोनों थे FBI के ऑफिसर बिल बज और वेब पेपर। जब बिल और वेब लंच करने में बिजी थे तभी लॉन माल्वो उनके सामने से जाता है और फार्गो के ऑफिस में चला जाता है, पर ये दोनों लॉन माल्वो को ऑफिस में जाते नहीं देख पाते। लॉन माल्वो ऑफिस में जाकर सारी फार्गो गैंग का सफाया कर देता है। बिल बज और वेब पेपर देखते हैं कि एक आदमी तीसरे फ्लोर से नीचे गिरा है। ये दोनों उस आदमी की लाश के पास जाते हैं और तभी पुलिस भी वहां पर आ जाती है। ये लोग पुलिस को बताते हैं कि ये दोनों FBI से हैं। पुलिस वाला इन दोनों से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास यहाँ की कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। बिल कहता है कि बिल्डिंग के अंदर से हमने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी है।
बिल पुलिस वाले को और बैकअप बुलाने को कहता है ताकि वो बिल्डिंग के अंदर जा सकें। और इसके बाद हम लॉन मालवो को देखते हैं जो उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। वहीं लेस्टर जीना हैस के घर में जाता है जहां ये दोनों साथ में शराब पीते हैं। जीना पूछती है कि उसे इंश्योरेंस के पैसे कब तक मिलने वाले हैं। लेस्टर कहता है कि मर्डर के केस में पैसा मिलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वो जुगाड़ लगवा कर जीना को पैसे दिलवा ही देगा। लेस्टर जीना को कहता है कि उसे अगर इंश्योरेंस के पैसे चाहिए तो जीना को उसकी हथेली गर्म करनी पड़ेगी। जीना समझ जाती है कि लेस्टर उसके साथ सोना चाहता है। जीना एक स्ट्रिपर थी जो पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी, इसलिए जीना लेस्टर को अपने बेडरूम में ले जाती है और ये दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। वहीं लिव मॉली को अपने घर ले जा रहे होते हैं कि तभी मॉली पुलिस स्टेशन में कार रोकने को कहती है। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर मॉली को बताती है कि पुलिस ने चेस को पकड़ लिया है और उसी ने ही ऑफिसर वन थर्मन और पर्ल का मर्डर किया था। मॉली को विश्वास नहीं होता कि पुलिस ने लेस्टर की जगह चेस को पकड़ लिया है। मॉली को पुलिस की इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं दिख रही थी कि चेस का अफेयर पर्ल के साथ था और चेस ने ही पर्ल और वन थर्मन का मर्डर किया था। इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म हो जाता है।